ये एक विंड टरबाइन का एक जबरदस्त मॉडल है। इसे बनाने के लिए आपको इन तमाम चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले एक फिल्म रील की काली डिब्बी लें और इसकी दीवार पर आर पार सुराख करें। फिर दो सख्त स्ट्रॉ लेकर इसके टुकड़े दोनों सुराख में पिरोएं, जिससे इनके दरमियान में छोटा सा खला रहे। फिर मोटर वाइंडिंग वाला बिल्कुल महीन तार लें और इसे तकरीबन 600 मरतबा इस टिपी पर लपेट लें और फिर मजबूती के लिए गोंद लगा दें। एक पेपर कप लें और इसे काटकर 6-7 ब्लेड बनाएं। इस कप में ठीक इसी तरह का घुमाव होता है जैसा पंखे के ब्लेड में होता है, और बाद में इन पंखों को थोड़ा सा तराश कर इन्हें मखसूस शक्ल दें। इस तरह 7 ब्लेड बनाएं। फिर एक रिल की डिब्बी का ढक्कन लें, इसके बिल्कुल दरमियान में सुराख करें और इसकी सतह पर गोंद लगाकर सारी पट्टियों को चस्पा कर दें, और दरमियान के सुराख में साइकिल स्पोक का नट नस्ब कर दें। इस तरह से आपका रोटर तैयार हो जाएगा। फिर एक रबर पर 4 मोटी लकड़ियाँ लगाएं और बिल्कुल दरमियान में एक सीडी का टुकड़ा चस्पा कर दें। फिर रिफिल की डब्बी का पेंदा काटकर अलग कर दें ताकि एक छोटा सा पाइप जैसा बन जाए। फिर इस डिब्बी को इन चारों लकड़ियों पर गोंद या तार से बांधकर मजबूती से चस्पा कर दें। फिर एक वायर लें और इसके दोनों सिरों पर एक एलईडी को लपेट लें, साइकिल की स्पोक लें और इसे इसी के नट पर फंसा दें। इस स्पोक के निचले सिरे पर छोटा सा रिफिल का टुकड़ा लगाएं। इसके बाद आपका पंखा स्पोक समेत इस स्टैंड में दाखिल करें और दरमियान में एक रबर का टुकड़ा भी दाखिल करें। आखिर में इस स्पोक में रिफिल के टुकड़े को फंसा दें। इसकी नोक सीडी के टुकड़े पर घूमेगी, फिर ताकतवर मकनातीस इस रबर के टुकड़े के शुमालन जुनूबन चस्पा कर दे और मोटर वाइंडिंग का तार ले और इसके दोनों सिरों को छील ले और इन्हें भी एलईडी के साथ जोड़ दे। इस तरह से आपका जनरेटर या पंचक्की तवानाई पैदा करने वाली लगभग तैयार हो जाएगी। अब आप इसे किसी पंखे के नीचे रखें, पंखा घूमेगा, मकनातीस घूमेंगे और तवानाई पैदा होगी और ये एलईडी जगमगाएगा। तेजी से टिमटिमाएगा।